है कौन टोबू। टोबू टोबू मुझे माफ कर दे टोबू, मैं टाइम पे तेरे पैसा लौटा नहीं पाया, मुझे माफ कर दे टोबू। टोबू बोलता है ये सब तो ठीक है पर तूने हेलमेट नहीं पहना था, तुझे सजा मिलेगी। कौन सी सजा? टोबो बोलता है तेरी को बहुत बार समझाया कि हेलमेट पहना कर, मोबाइल से बात मत कर, स्कूटी चलाते समय पर अभी तेरे कान काट ले जाएंगे। इसके कान काट दो। नहीं टोबू मेरे कान मत काटो, मैं अंदर हो जाऊंगा टोबू। तेरे कान काटेंगे तो तू अंदर कैसे होगा? नहीं मेरे कान कट जाएंगे तो चश्मा कैसे लगाऊंगा टोबू? करेक्ट। सॉरी सॉरी इसके कान काट दो। नहीं मुझे माफ कर दे टोबू, अरे गिटार वाले भाई साहब तुम कहिए। प्रेम कुछ कर बेचो। आओ प्रेम आओ, चलिए अपने ही मेंबर है ये, दूसरा है ना म्यूजिक वाला, मैंने आपको बताया था ना इसका सॉलिड बंगलो है। टोबू जी मैं बताता हूँ, फिर से कीजिए प्लीज। चुरा लिया है तुमने जुद को, नजर नहीं चुराना सनम। समझा। रीमिक्स। चुरा लिया। बोलता है? ये सब बंद करो, ये गाड़ी कौन चलाता है और इधर क्या काम है? क्या बोलता है? ऐसे गाड़ी में जोर जोर से साउंड नहीं बजाने का, अगर सीट बेल्ट नहीं लगते तो अगली बार तुम और तुम्हारी ये गाड़ी दोनों को अंदर करवा दूंगा। कार रेस में उतर गई ना तो गारंटीड 5 का 50 हो जाएगा। क्या गाड़ी में एयरबैग है और क्या गाड़ी का आरसी इंश्योरेंस पेपर सब बराबर है, नहीं तो ये खटारा गाड़ी को अभी अंदर करवा देता हूँ। अरे देखो क्या कर रहा है, जबान को लगाम दे, चल दिखाता हूँ तुझे। देख स्पेशल ऑटोमेटिक ट्रिपल हॉर्स पावर नाइट्रो जेट इंजन कॉन्सेप्ट कार। टोबू बोलता इसका पावर ब्रेकिंग और एवरेज कितना है? टोबू ये सब खूबियां एक ही गाड़ी में है रे। चल मैं तुझे दिखाता हूँ, लोग फॉर्मूला कार बनाते हैं, मेरे कार में फॉर्मूला बना है। ये देख नाइट्रो एक्सेलरेशन जूम बटन, इसको दबाते ही इस गाड़ी की स्पीड तेरी गन की गोली से ज्यादा हो जाएगी। टोबू ये कार एक मिसाल है और स्पीड में मिसाइल है, इसको रेस में उतार देगा ना तो ये नोट छापने की मशीन है मशीन। देखा गोली, सुन के तेरा बॉस कैसे एक्साइटमेंट में डांस कर रहा है। सर से लेके पांव, अरे पांव, अरे हटाओ, अरे हटाओ, अरे अरे हटाओ, नहीं पांव हटाओ। तो बोलता है लोन पास। हमें सब साथ मिलकर इंडिया में एक्सीडेंट कैसे काम हो उस पर एक्शन देना होगा। और उनकी इस छोटी छोटी समस्या को हमको सुलझाना होगा, कुछ शायद हमारे संबंध में होगी, कुछ राज्य सरकार के संबंध में होगी, कुछ मानवता के आधार पर होगी। आप देखिए कोई भी व्यक्ति 24 घंटे काम करने वाला ऐसा कौन सा क्षेत्र है, थोड़ा थोड़ा कुछ चिंता सबको करनी पड़ेगी तो ही ओवरऑल हम इसमें कामयाब होंगे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सारी बातें जो अभी हमने सुनी वो गदगद जी आपने सही कहा कि छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनके बारे में जानकारी हमें नहीं होती, जो जिसको भुगतना पड़ता है उसे मालूम होता है और उनकी बातों से पता चलेगा कि हम कहां पर सुधार ला सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सब जगह पर जितने जितने स्टेक होल्डर हैं वो अपनी कमियों को ढूंढे और उसको सुधारे, इससे ही क्वालिटेटिव चेंज और रिफॉर्म होगा। और एक बात मैं मंत्री करके एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सी कमियाँ अभी भी है और उसको हमको सुधारना होगा, तब ओवरऑल हम नहीं तो किसी को ब्लेम करते रहेंगे, इससे नहीं होगा जी। तो निश्चित रूप से उसको सुधारने की कोशिश हमारे तरफ से हम करेंगे। नुकसान सिर्फ जान का नहीं है, पूरे
देश का, पूरे समाज का जो है वो दिखता नहीं है। जैसे जो अब जैसा हमने देखा कि 18 से 45 आयु के जो लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं में जान जाती है, वो देश के लिए क्या क्या कर सकते थे, उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के लिए, जीडीपी के लिए, देश की जीडीपी पे असर पड़ता है। 3% जीडीपी नुकसान होता है। 3%? हाँ, और आपको बताता हूँ, मैं तो मेरा पैर चार जगह टूटा है। रेड लाइट कार में मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था, पुलिस प्रोटेक्शन में मेरा एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट का कारण था कि मेरा जो पुलिस ड्राइवर था उसको कैटरेक्ट था। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि मैंने ड्राइवर के आँखें जांच की, 40% लोग कैटरेक्ट वाले निकले। एक मुख्यमंत्री का ड्राइवर था, वो एक आँख से अंधा था। एक और एक की कहानी थी, मैं नाम नहीं बता पाऊँगा आपको, वो तो अंधा ही था पूरा और आवाज़ की उस पर गाड़ी चलाता था। कल मैं 5-6 मुख्यमंत्री जी के अब राज्य में गया, तो कल उन्होंने ये जो अमेजोन के ऊपर एक प्लेट मिलती है वाली, इसकी मेटल की जो आवाज़ देता है ना सायरन, अगर बेल्ट नहीं लगाया तो, वो रेडीमेड लेके लोग लगा लेते थे। मैंने कहा इनके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर करो, ये बेचना नहीं। तो मुझे वो प्लेट डाल देते हैं वहाँ पे और उससे फिर सीट बेल्ट का सायरन नहीं बजता। 3 मुख्यमंत्री जी के कार में मैं बैठा, पीछे में मुख्यमंत्री बैठे और मेरे सामने ड्राइवर ने वो प्लेट लगाई। मैंने उसको डांटा कि उनको भी कहा कि ये गलत है, ये निकालो, इसको फाइन होगा। और अभी हमने बाकी लोगों को बेचने के लिए भी बंदी लाई। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो आप लोग अवेयरनेस तैयार कर रहे हैं या जिसके लिए सहयोग कर रहे हैं, इसकी आज अवस्था क्या है। अब मैं जब परसों गया तो स्टेट का नाम नहीं बताता, चीफ मिनिस्टर का भी नाम नहीं था, तो ड्राइवर वही था, उसने कहा सर ये बेल्ट है, तुरंत लगाया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोगों का जो माइंड सेटअप है ये कि कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं, तो ये हमारे लिए नुकसानदायी है। और ये अमिताभ जी जैसे लोग लोगों को कहेंगे तो गंभीरता से लोग लेंगे और इसका मानस माइंड सेटअप बदलेगा, ऐसा मेरा विश्वास। ताकि आवाज़ नहीं आता, अभी हमने बेल्ट में कानून बनाया कि पीछे में भी बेल्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो आवाज़ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो भी लोग अभी भी बहुत बार लगाते हैं, नहीं लगाते पीछे की सीट। हाँ, इतने हादसे हो गए, बहुत हादसे हो गए। देखिए ना आप कितने बड़े प्रमाण पर अच्छे अच्छे लोग कैसे कैसे हुए, इसकी घटनाएं कितनी गंभीर है। तो ये बाद में ध्यान में आता है कि एक एक की जान, और ये मरने वाले लोग हैं उसमें मैक्सिमम 64-68% 18 से 34 वयोवर्ग के, जी यंग लड़के, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उनका परिवार पूरा ऐसी स्थिति में आ गया। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर का विषय है और निश्चित रूप से इसका परिणाम निकले, हम भी इसके प्रति बहुत संवेदनशील है, पर आप सबकी सहयोग से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नक्की परिणाम एक ही जो डैश हो जाता है। थोड़ा अगर हम लोग 2-3 मिनट लेट हुए तो क्या बिगड़ा, रुक जाना चाहिए, जी हाँ, जी हाँ। हमने नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा ये जो मानवीय बिहेवियर है इसको बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा। यही कई बार जी विदेश में मैंने देखा है, रात के 2 बजे कोई नहीं है सड़क पर और अब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ कि देखा हूँ कि लाल बत्ती है तो हम रुके हैं, साथ में साइकिलिस्ट एक आया है वो रुका हुआ जाता है। ये बहुत अच्छी बात हमने काफ़ी देशों में देखी है जी। अब धीरे धीरे हमारे इसकी शुरुआत हुई है, लोग ऐसा पालन करने लगे हैं और सिस्टम को भी हमने चेक काउंटर चेक में ये जो कैमरे वगैरह लगाए जी, जी, जी। इसके डर के कारण भी थोड़ा बहुत परिणाम हुआ है और लोगों के बिहेवियर में भी चेंज हो रहा है। थोड़ा बिहेवियर बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ी सी इज्जत अगर आ जाए सामने वाले के लिए भी तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। मान लीजिए सड़क जो है सांकड़ी, 2 गाड़ी शायद मुश्किल हो जाने में, उधर से भी आ रहे इधर से भी आप जा रहे हैं, अगर आप मान लीजिए 1 सेकंड की थोड़ा सा उसको जगह दे देते हैं जाने के लिए, क्या जाता है आपका? लेकिन आप अड़े हुए हैं कि नहीं हम जाएंगे पहले, और वो ना वो अगर वो भी अड़ गया तो आप रुके हुए हैं थोड़ी देर, आप वो अगर पार नहीं करेगा तो आप भी नहीं जा पाएंगे और बाकी पीछे जो लोग हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। सही बात। और सर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने जगह दी और वो सामने वाला निकल के गया तो आपको क्रॉस करते वक्त अगर वो आपको एक हाथ हिला करके सलाम बोल दे, एक थैंक यू हो जाए, तो आपस में एक भाईचारा बन जाता है। बहुत कई बार हमने देखा है पेडेस्ट्रियन कोई क्रॉस कर रहा है जहाँ पर आपने उसके लिए गाड़ी रोकी है, पेडेस्ट्रियन अगर आपको धन्यवाद दे दे तो क्या बुरा है उसमें, ये आपस में एक भाईचारा जो है बनता रहता है। कई बार हमने ऐसा किया है। ये जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, जैसे अमित जी ने बताया, ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े सुन के
आप उनको भूल ना जाइए कि बस आए और गए। ये आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की जान है जो गई है। ये लोग हमारे बीच के हो सकते हैं, हमारे अपने हो सकते हैं, आपका अपना कोई इंतजार कर रहा है, परवाह कीजिए। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।